हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल. इट इज़ चैप्टर नंबर 9 यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज 9B. स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9B में हम लोग इनवर्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. एक्सरसाइज जो 9A था उसमें हमने जो डायरेक्ट मेथड थी उसे सॉल्व उस मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन हम एक्सरसाइज 9B में हम इनवर्स मेथड सॉल्व करेंगे. इनवर्स मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से हमें अगर मेनी का प्राइस दिया है और 1 का निकालना है, तो यहाँ पर हमें मेनी से जब 1 निकालना होता है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें 1 से मेनी निकालना होता है तो हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे. आपको डायरेक्ट में मैंने क्या सिखाया था आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूँ मैं. डायरेक्ट में मैंने बताया था कि अगर आपको मेनी का प्राइस दिया है और आपको 1 का प्राइस निकालना है तो आप दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करिए. बट इनवर्स में मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर आपको मेनी का वैल्यू दिया है और आपको 1 का वैल्यू निकालना है तो आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए. बस इसी एक टॉपिक पर हमारी पूरी एक्सरसाइज डिपेंडेंट है और हमें सारे क्वेश्चंस में यही मेथड फॉलो करनी है. आइए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है. इफ़ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज, हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच. अगर 48 लेबर्स किसी ट्रेंच को डिग करने में, खोदने में 14 दिन का टाइम लेते हैं, तो अगर 48 से हम मैन कम कर दें, 28 मैन कर दें, तो हमें उस ट्रेंच को डिग करने में या खोदने में कितना टाइम लगेगा या कितने डेज लगेंगे. तो हमें यहाँ पे मैन में बात करनी है, इसलिए हम मैन से स्टार्ट करेंगे. 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज, सो 1 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 × 48. मैंने आपको बताया था कि जब मेनी से 1 निकालना है तो दोनों क्वांटिटीज़ को एक्स इंटू मेनी करेंगे, सेम उसी तरह से 14 × 48. अब हमें 28 मैन के लिए निकालना है. 1 मैन के लिए हमने फाइंड कर ली, 28 मैन के लिए फाइंड करना है. 28 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इज इक्वल टू, इन दोनों क्वांटिटीज़ को अब हम डिवाइड करेंगे, यानी 14 × 48 डिवाइडेड बाई 28. इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट. अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड कर दीजिए, आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इफ 16 मैन कैन रिप अ फील्ड इन 30 डेज, हाउ मेनी मैन मस्ट बी एंगेज टू रिप द सेम फील्ड इन 24 डेज. है ना, 16 मैन है, उन्हें किसी फील्ड को रिप करने में 30 डेज लगते हैं. अगर 16 मैन के प्लेस पर हम ये बता रहे हैं कि अगर कितने मैन की ज़रूरत होगी अगर यही फील्ड हमें 30 की बजाय 24 डेज में कंप्लीट करनी है. तो आइए हम मैन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें मैन फाइंड करने हैं, तो मैन से ही स्टार्ट करेंगे. 16 मैन कैन रिप अ फील्ड 30 डेज, सो 1 मैन कैन रिप अ फील्ड. दोनों क्वांटिटीज़ को मेनी से 1 निकाल रहे हैं, दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया. और जब 1 से 24 मैन से अगर हमको करवाना है, अगर 24 मैन है हमारे पास, तो कितने डेज़ में ये रिप हो जाएगा. तो 1 से जब 24 करेंगे तो हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को अब डिवाइड करेंगे. तो हमारी इक्वेशन होगी 30 × 16 डिवाइडेड बाई 24 डेज. यहाँ पर आप 30 × 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसे आप 24 से डिवाइड करेंगे, आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है. द क्वेश्चन नंबर 3 इज़, इफ़ 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज, हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज. अगर 13 डेज हैं हमारे पास और 13 डेज तक 45 काउज है जो है 13 डेज तक किसी फील्ड को ग्रेज कर सकती है, चारा चर सकती हैं, तो अगर 13 डेज की बजाय 9 डेज कर दें हम, तो कितनी और काउस वहाँ पर चारा चर सकती हैं या ग्रेस कर सकती हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी काउस. तो हम काउस से स्टार्ट करेंगे, काउ फाइंड करनी है तो हम काउस से स्टार्ट करेंगे. 45 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इज इक्वल टू 13 डेज, 1 काउ कैन ग्रेज अ फील्ड इज इक्वल टू 13 × 45 डेज. सो 9 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इज इक्वल टू 13 × 45/9 डेज. आप यहाँ पे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें और उसे 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा है. इसी तरह से हमें कंटिन्यूस एक्सरसाइज को करते चले जाना है. सारे क्वेश्चन में हमें यही मेथड यूज़ करनी है, आपको कोई भी मेथड या रूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई होप
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 डेज, इन हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी टू कंज्यूम्ड बाय 40 हॉर्सेस। ओके, यहाँ हाउ मेनी डेज फाइंड करने हैं, तो हम डेज से स्टार्ट करते हैं कि 25 डेज है ना, हाउ मेनी डेज विल शी टेक, हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी टू कंज्यूम बाय द 40 हॉर्सेस है ना। तो हमने यहाँ पे हॉर्सेस फाइंड करने हैं, तो हॉर्सेस में निकाल लेते हैं हम कितने हॉर्सेस, 40 हॉर्सेस को ये कितने दिन तक चल जाएगा, ये कितना कॉर्न कंज्यूम कर पाएंगे 40 हॉर्सेस। हमने स्टार्ट किया 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम कॉर्न 25 डेज, तो वन हॉर्स कैन कंज्यूम द कॉर्न 25 × 16, सो 40 हॉर्सेस कैन कंज्यूम द कॉर्न इज इक्वल टू 25 × 16/40 डेज। इस तरह से आप इसका सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया उसी तरह से आप 4 सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द क्वेश्चन इज अ गर्ल कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज इफ़ शी रीड 18 पेजेस ऑफ इट एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल शी टेक टू फिनिश इट If she read 15 pages every day, okay, तो आइए इसका solution देखते हैं हम। solution में हमें किस तरह से करना है, If a girl read 18 pages every day, she can finish a book 25 days. Okay, If a girl read 1 page every day, she can finish the book in 25 × 18 days. And if a girl can read 15 pages every day, she can finish a book 25 × 18/15। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, इसमें भी मेनी से वन का निकालने के लिए दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया और वन से मेनी का निकालने के लिए हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड करेंगे आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज रीता टाइप 40 वर्ड्स पर मिनट एंड टेक 24 मिनट टू टाइप अ सर्टन डॉक्यूमेंट। ओके, हर फ्रेंड गीता हैज अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 48 वर्ड्स पर मिनट, इन हाउ मच टाइम विल शी बी एबल टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे रीता 24 मिनट किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करती है ना, तो उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर हमें बताना है कि अगर उसकी फ्रेंड गीता है उसकी स्पीड है 48 वर्ड्स पर मिनट, तो वो इस डॉक्यूमेंट को कितनी देर में कंप्लीट कर लेगी। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है हमें इसे। ओके, सबसे पहले 1 मिनट में हमारे पास 40 वर्ड्स हम टाइप कर सकते हैं, तो 24 मिनट में हम कितने वर्ड्स काउंट कर राइट कर पाएंगे, 40 × 24 960 वर्ड्स। ठीक है, अब अगर हम दूसरी फ्रेंड की बात करें तो 48 वर्ड्स उसे सॉल्व करने में लगता है 1 मिनट, या लिखने में 1 मिनट लगता है, तो 1 वर्ड लिखने में लगता है 1/48 मिनट, तो यहाँ पे 960 वर्ड्स लिखने हैं, 960 वर्ड्स लिखने में उसे टाइम लगेगा 1/48 × 960, और जब आप 960 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 20। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों मेथड इसमें यूज़ करनी पड़ेगी। पहले वाला जो केस है यहाँ पर, इस केस में हमने यहाँ पर इन्वर्स मेथड यूज़ किया है, इन्वर्स इस क्वेश्चन में हमें इन्वर्स मेथड यूज़ करनी है, पर हमें डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज़ करनी है और यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। 48 वर्ड्स में 1 मिनट लगा, तो 1 वर्ड में 1/48 लगेंगे, और इस तरह से 960 वर्ड्स में, दोनों में हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ की है, सॉरी यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड और यहाँ भी डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो रहा है, इसमें हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमें डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है। आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।